हे फ्रेंड्स, सब कुछ देखने सुनने खेलने कूदने के बाद अब बारी आती है, यहाँ देखिए सरस प्रेक्षा गृह है जिसमें चलते हैं। यहाँ लेजर शो होता है, तो इधर पतिदेव जी ने पहले टिकट ले लिया है। कितने का लिया है जो मुझे नहीं पता है। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं लेजर शो कैसा है जो यहाँ का। और ये यहाँ का वेटिंग एरिया है, तो वेटिंग एरिया में अभी हम लोग थोड़ी सी वेट करेंगे और उसके बाद चलेंगे लेजर शो देखने। ये इसके एंट्रेंस है और अभी पूरा खाली ही है। तो अभी लेजर शो शुरू नहीं हुआ है, पूरा खाली है। इधर वहां नहीं जाओ। स्पेंसर हार्ट को बटलर ने प्रस्तावित किया था। सन 2001 में इसका नाम बदलकर लखनऊ प्राणी उद्यान कर दिया गया। फिर वर्ष 2015 में अवध के अंतिम नवाब के लायन दिखेगा इसका नाम बदलकर नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कर दिया। और पहले इस प्राणी उद्यान में पशु पक्षी सरीसृप इत्यादि की कुल 104 प्रजातियां हैं और यहाँ जीवों की कुल संख्या 1000 से ज्यादा है। मैं जा सीधा पैर में भी हो जाएगी, लायन नीचे से काटेगी। अपने व्यवस्थित भाग और दुर्लभ वृक्षों की संपदा से ये पारिजात वृक्ष कल्प वृक्ष ही कहते हैं। बेहद पुराना है। क्या क्या दिख रहा है आपको, ये सब दिखा था आपको? ये 1000 वर्षों तक जीवित रह सकता है। इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। इस कल्प वृक्ष के अलावा यहाँ कई और पेड़ देखे जा सकते हैं जिनका प्रयोग यहाँ के वातावरण को खुशनुमा बनाने के लिए किया गया है। और लाइट होना चाहिए था ना, ये दिख ही नहीं। लखनऊ प्राणी उद्यान का इतिहास में अपना एक खास स्थान, हरे भरे बाग और शांत वातावरण के बीच स्थित सफेद पत्थरों और संगमरमर से बनी बारादरी, जिसका मतलब है 12 दरवाजों वाली इमारत। लखनऊ के दूसरे नवाब नवाब नरीउद्दीन हैदर द्वारा बनवाई गई इस इमारत को अपने समय की प्रचलित फिल्म उमराव जान का मशहूर गाना इन आंखों की मस्ती फिल्माया गया था। शहर के बीचों बीच स्थित ये प्राणी उद्यान यहाँ के मुख्य आकर्षण में से है। हर वर्ष यहाँ 10 से 11 लाख दर्शक सप्ताहांत और छुट्टी वाले दिन यहाँ की चहल पहल देखने लायक होती है। दर्शकों के बीच बड़ी बिल्लियों को लेकर हमेशा ही कौतूहल रहा है। उनकी दहाड़, उनका आकार, उनकी फुर्ती हर किसी को सम्मोहित करती है। ये है किशन। तकरीबन 250 किलोग्राम वजनी ये शानदार बाघ प्रकृति के सबसे बेहतरीन और सफल शिकारियों में से एक है। जहाँ किशन को इस प्राणी उद्यान में बाहर से लाया गया था, वहीं इनका दूसरा रूप ये सफेद बाघ हैं जय और विजय। इनका जन्म इसी प्राणी उद्यान के सफेद बाघ आर्यन और बाघिन विशाखा के मिलन से 26 अगस्त सन 2016 को हुआ था। 1.5 साल के ये शावक दिन का ज्यादातर समय अपनी माँ और एक दूसरे के साथ खेलते हुए ही बिताना पसंद करते हैं। जीवों के स्वभाव को बनाए रखने के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक से लगने वाले माहौल में रखा जाता है। उस वातावरण को तैयार करने के लिए खुले हरे भरे कीचड़ या पानी से भरे बाड़े तैयार किए जाते हैं। ये वातावरण इन जीवों को सुकून और सुरक्षा का एहसास दिलाता है जो उनके स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ये ऊंची चट्टान हमारे जंगल के राजा पृथ्वी को एक सुविधाजनक मोर्चा देती है जहाँ से वो अपने इलाके का जायजा ले सकता है और पास के बाड़े में मौजूद अपने शावकों को उनकी माँ वसुंधरा के साथ खेलते हुए देख सकता है। इन सभी शावकों का जन्म इसी प्राणी उद्यान में 1 सितंबर सन 2015 को हुआ था।
दो से तीन साल के होते होते ये शावक स्वयं शिकार करने में सक्षम हो जाते हैं और 12 सिंह जैसे शिकार को आसानी से मार सकते हैं। 12 सिंह भारत में पाए जाने वाले सबसे बड़े और वजनी हिरणों में से एक है। वयस्क 12 सिंह का वजन तकरीबन 200 से 260 किलोग्राम तक का हो सकता है। इस प्राणी उद्यान में जहाँ एक तरफ 12 सिंह जितने बड़े हिरण देखे जा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हीं की प्रजाति में काफी छोटे हिरण पाड़ा और कांकड़ आदि को किसी प्राणी उद्यान में देखा जा सकता है। तो याद रहती है उनकी छाल और उनकी रफ्तार। इस श्रेणी में चीतल और कृष्ण मृग का शायद ही कोई मुकाबला हो। हमारे इस जीव का रफ्तार से भले ही कोई खास नाता ना हो, पर इन्हें जमीन पर रहने वाले सबसे ऊंचे स्तनपाई का दबाव हासिल है। एक नर वयस्क जिराफ 18 फीट तक ऊंचा और 1500 किलोग्राम तक वजनी हो सकता है। हालांकि सुजाता एक मादा जिराफ है और इसकी ऊंचाई 14 फीट और वजन 1000 किलोग्राम के करीब है। जिराफों की जीभ 18 इंच तक लंबी हो सकती है, जिससे उनको अपना भोजन पकड़ने में आसानी होती है। जहां जिराफ सबसे ऊंचे स्तनपाई है, वहीं इस प्राणी उद्यान के सबसे वजनी जीवों में से एक है ये दरियाई घोड़े। इनका वजन 1300 से 1500 किलोग्राम तक और ऊंचाई 3 से 5 फीट की हो सकती है। ये अपना ज्यादातर समय पानी में बिताना पसंद करते हैं और अक्सर सिर्फ खाने के लिए ही पानी से बाहर आते हैं। आकार और वजन में दरियाई घोड़े को भी मात देने वाला गैंडा इस प्राणी उद्यान का सबसे भीमकाय जीव है। इसका वजन 2000 किलोग्राम के करीब और ऊंचाई तकरीबन 5.5 फीट है। स्वभाव से शांत ये भीमकाय जीव बेहद आक्रामक और उग्र भी हो सकते हैं। इनकी नजरें कमजोर पर सुनने और सूंघने की क्षमता कमाल की होती है। उद्यान के जीव जंतुओं को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ प्रत्येक जीव को मौसम, तापमान, उमस और उनके शरीर के अनुपात के हिसाब से भोजन दिया जाता है। यहाँ हर दिन करीब 600 किलोग्राम फल सब्जियाँ, 350 किलोग्राम अन्न दाल, 1200 किलोग्राम हरी पत्तियाँ एवं घास, 225 किलोग्राम मांस और 125 किलोग्राम मछली मंगाई जाती है। इस सामग्री से यहाँ के कर्मचारी जीवों के लिए उनके आहार के हिसाब से सही भोजन तैयार करते हैं। कैसा भी मौसम हो, कोई भी हालात हो, यहाँ के प्राणियों को उनका भोजन सही समय पर मिले, इसके लिए ये लोग पूरे समर्पण से अपना काम करते हैं। अधिकांश लोग यहाँ मौजूद ज्यादातर जीव जंतुओं को शायद एक ही नजरिए से देखते हूँ, पर यहाँ के ज्यादातर जीवों की अपनी एक पहचान और शैली है। जहाँ हमारा चिंपैंजी जेसन काफी ड्रामेबाज है, जिसे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना अच्छा लगता है। पूछ बंदर राजा अक्सर लोगों को दांत दिखाकर धमकाता नजर आता घर जाने उन्हें तक कर लेने के लिए। बंद कर दीजिए इसको। स्थानीय स्लॉथ भालू जामवंत को खाने के इंतजार में बाड़े का चक्कर काटते आसानी से देखा जा सकता है। इसको ऐसे डालेंगे तो कॉपीराइट कर देगा ना। ये कैरेक्टर दुनिया को उल्टा देखना पसंद करता है। प्राणी उद्यान में रखे गए जीव जंतु भले ही शांत और प्यारे होते हैं, पर कभी कभी ये उग्र और आक्रामक भी हो सकते हैं। इसकी सुरक्षा और दृश्यता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बाड़ों के पार जाने की कोशिश ऐसा करके आप अपने जीवन और जीव दोनों की सुरक्षा से समझौता। यहाँ रखो, यहाँ ला कर।
हालांकि अगर आप इन शानदार प्राणियों को और करीब से जानना चाहते हैं, तो प्राणी उद्यान के एडॉप्शन कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। इस कार्यक्रम में योगदान देने के लिए आप उद्यान के किसी भी जीव के रखरखाव का खर्च एक सीमित समय के लिए उठा सकते हैं। यहाँ के भ्रमण नीचे गिरा तो फिर देंगे और आने वाले दर्शकों को एक बेहतरीन अनुभव देंगे। ये तो लायन को दे देते हैं। दीजिए कर्मचारी ले लायन ले पूरी से ये हमें लायन जा आप क्या करोगे इस खुशनुमा माहौल को बरकरार रख पाना। अरे तो गुगु है उसकी भी में जितनी बाड़ों की साफ सफाई महत्वपूर्ण है उतनी ही जरूरी है समय समय पर जीवों की शारीरिक जांच और उनको स्वस्थ रखने के लिए लगने वाले टीके और दवाइयाँ। लखनऊ प्राणी उद्यान में जंतुओं के लिए एक समर्पित चिकित्सालय है जो हर तरह के जरूरी संसाधन फिर चाहे वो शल्य चिकित्सा कक्ष हो या जांच घर और एक्सरे मशीन या फिर जरूरी दवाइयों की उपलब्धता हो और चोटिल बीमार प्राणियों को रखने की अलग जगह यहाँ के कुशल चिकित्सक हर परिस्थिति से निपटने में दक्ष हैं। जीवों को टीके लगाने के लिए एक खास तरह की बंदूक या डार्ट गन का इस्तेमाल किया जाता है। ये डार्ट जरूरत के हिसाब से बेहोशी की दवा या टीके लगाने के लिए बनाई जाती है। इस बंदूक का इस्तेमाल कई बार उग्र हो गए या भटक कर रिहायशी इलाकों में जा पहुंचे जानवरों को बेहोश करने के लिए भी होता है। चिड़ियाघर में बने मछली घर का अपना ही आकर्षण है। यहाँ दर्शक कई प्रकार की खूबसूरत मछलियों को देख सकते हैं। इनके साथ यहाँ कई तरह के कछुओं को भी देखा जा सकता है। उसी तर्ज पर बने नॉक्टर्नल हाउस में हम कई प्रकार के उल्लुओं को देख सकते हैं। और इनके अलावा अंधेरे में रहने वाले पॉक्यूपाइन भी यहाँ देखे जा सकते हैं। सांप और पंछियों के बाड़े भी यहाँ आने वाले दर्शकों को खासा आकर्षित करते हैं। सांप घर में उन्हें भारतीय अजगर जैसे बड़े सांपों को पास से देखने का लुत्फ मिलता है, वहीं पंछियों के बाड़े में कई बेहद खूबसूरत और दुर्लभ चिड़ियों से लोगों का दीदार होता है। अगर आपको लगता है कि आप इस प्राणी उद्यान को घूम चुके हैं तो एक बार फिर सोचिए और यहाँ चलने वाली टॉय ट्रेन में बैठकर एक बार इस उद्यान का चक्कर लगाइए। इसमें हर उम्र के लोग आसानी से सफर कर सकते हैं। चंद्रपुरी रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाला ये सफर गुफा और पुल पर से गुजरते हुए दर्शकों को उद्यान घूमने का एकदम अलग एहसास दिलाता है। यहाँ आने वाले दर्शकों के लिए प्रदूषण और शोर रहित बैटरी चालित वाहन और वृद्धों एवं दिव्यांग दर्शकों के लिए व्हील चेयर और छोटे बच्चों के लिए प्रैम की भी व्यवस्था है। बच्चों का खास ख्याल रखते हुए लखनऊ चिड़ियाघर में उनके खेलने की बड़ी अच्छी जगह है जहाँ बच्चे कई तरह के झूलों और खेल का मजा उठा सकते हैं। इस प्राणी उद्यान में अपनी तरह का खास ऑडिटोरियम है जहां लोगों को जीव जंतुओं से जुड़ी फिल्में दिखाई जाती हैं। लोगों को जानवरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं ताकि लोग प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में उनका महत्व समझें और उनके संरक्षण में सहायता करें। इसी कड़ी में यहाँ बनाए गए इंटरप्रिटेशन सेंटर भारत की जैव विविधता को दर्शाया गया है और यहाँ
वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक निवास के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यहाँ जीव जंतुओं की खाल, हाथी दांत और हड्डियाँ रखी गई हैं, जिससे लोग इन प्राणियों को बेहतर से समझ सकते। प्राणी उद्यान का पूरा चक्र तकरीबन 2.5 किलोमीटर का है, जिसे 1 से 2 घंटों में पूरा किया जा सकता है। पर अगर आप चलते हैं, लाइट अभी जलेगा, देख रहे हैं, लाइट को बोलो कि लाइट जलो और इस पूरे उद्यान के माहौल का मजा लें। अगर आपको घूमते हुए भूख लग जाए तो कैंटीन में स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाएं, फिर अपने परिवार और दोस्तों के साथ उद्यान में ही जल विहार का आनंद कर दें। पैडल से चल मजा उठा सकते हैं। बदलते समय के साथ प्राणी उद्यान के रूप भी बदल रहे हैं। इतिहास में जहां जानवरों को पिंजरों में कैद करके प्रदर्शित करने का चलन हुआ करता था, वहीं अब प्राणी उद्यान जीवों को संरक्षित करने का काम कर रहा है। जो हे फ्रेंड्स, तो हमने लेजर शो भी देख लिया और अब यहां से चलते हैं वापस घर, क्योंकि स्कूल के सारे पेरेंट्स और टीचर चले गए हैं, बस हम लोग ही रुके थे ये लेजर शो देखने के लिए। तो अब चलते हैं घर और देखते हैं रास्ते में कुछ खाएंगे पियेंगे, क्योंकि घर जाने के बाद तो बस सोना ही है। चलते हैं, मिलते हैं फिर आप सबसे। हे फ्रेंड्स, अब चलते हैं बाहर, चलते हैं बाहर क्योंकि सब कुछ घूम चुके हैं, पतिदेव जी बाहर निकल गए हैं और अब लेना है गुल्लू गुग्गू का टॉयज। तो देखते हैं गुल्लू गुग्गू क्या क्या लेता है। सो लेंगे लेंगे और इधर बहुत सारे टॉयज और खाने पीने की आइटम्स लगे हुए हैं। देखते हैं क्या क्या लेता है ये लोग। सो लेकर चलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और घर चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो अभी पहले इन लोगों का ले लिया जाए। तो ये लिया है सबने। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली हम सब आ चुके हैं पार्किंग एरिया अब, और यहाँ से चलते हैं वापस घर। और सभी के चेहरे को देख सकते हैं, मुरझा चुका है, चल चल कर थक गए हैं बहुत ज़्यादा। चलते हैं घर और इसके बाद खाने पीने का कुछ सोचा जाएगा। तो अभी के लिए बाय। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली हम सब घर आ चुके हैं और शाम का 6 बज चुका है और मैं बहुत तेज भूख लगी थी, तो रास्ते में ही हमने एक खा लिया और कुछ स्नैक्स भी खाने को ले आया है। और इधर गुल्लू सोया हुआ ही है और सुबह 10:30 के गए हुए हैं हम लोग और अभी आए हैं 6 बजे, एकदम तककर चूर हो चुके हैं। तो अभी हम सब स्नैक्स खाएंगे और आराम करेंगे 1-2 घंटे, उसके बाद कुछ खाना खाएंगे, क्योंकि गुगु भी खा चुका है अपना शाम का स्नैक्स कर चुका है। तो अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे और मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तो आपका आप सबको ये जू वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं पूरा इन्जॉय की, आप सब भी जाइए और इन्जॉय कीजिए। और अभी ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में जू जाने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि अभी इतनी अच्छी मौसम है ना, कि ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, एकदम घूमने लायक मौसम है। तो जाइए और इन्जॉय कीजिए और बहुत अच्छा है। बहुत सारे एनिमल्स नहीं हैं पटना जू जैसा, यहाँ पर एनिमल्स नहीं हैं, लेकिन जो है जो बहुत अच्छे हैं, खुले में हैं, तो देखने में मज़ा आता है। हमने देखा और बहुत इन्जॉय किया, खासकर मैंने जो फिश हाउस में जो गई थी वो बहुत अच्छा था। मैंने फिश हाउस का अलग से मैं एक ब्लॉग लेकर आऊँगी। और गुगु को जैकेट खोलना है, पहले इसकी जैकेट खोल देती हूँ, नहीं तो आप सबसे बात नहीं करने देगा। और आप देख रहे हैं मेरी मच्छरदानी वैसे ही, क्योंकि मैं सुबह में भी जल्दी जल्दी में उठी थी और चली गई थी, तो वैसे ही रह गया था। तो मैं बोल रही थी कि जू जाइए और घूमिए, बहुत अच्छी जगह है। और अभी ठंड का मौसम चल रही है, तो सैटरडे संडे में हम सबका भी घूमना लगा रहेगा। नेक्स्ट कहाँ जाऊंगी तो आप सबको तो सब पता ही चलता रहता है। तो वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट लखनऊ की जर्नी का, कहाँ जाने वाले हैं। सो हाँ देते हैं, तो चलिए मैं इस ब्लॉग से अलविदा बोलती हूँ। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, टेक केयर, बाय। Bye.